समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की रिहाई के लिए लगातार धरने पर बैठे हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उम्मीद जताते हैं कि आजम खान की जल्द रिहाई होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अनशन पे बैठे हैं और मांग की है कि आजम खान की जल्द रिहाई हो, लगातार आजम खान पर जो लगाए गए मुकदमे हैं वो वापसी हो, इसी को लेकर जो है यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे ही जानता हूँ आज किस तरीके का ये आजम खान की रिहाई के लिए आप लोग यहाँ पर धरने बैठे हैं, क्या कहेंगे? धरने पे बैठे हुए हमें होगा 6 दिन और हम ये चाहते हैं और हम ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश पूरा भारत चाहता है कि आजम खान की रिहाई। क्या लगता है कि योगी सरकार ने बदले की भावना से ये कार्रवाई की है इन पर? पूरे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सब डर रहे हैं आजम खान से, इसलिए तो अंदर करवाया हमने। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि वो जानते हैं कि आली जनाब मोहम्मद आजम खान जब मंच पकड़े होते हैं तो उनकी दहाड़ नहीं शेर की दहाड़ होती है। क्या उम्मीद जताते हैं आप लोग, मांग करते हैं कि कानून पर आपको भरोसा है कि जिस कानून में उनको जेल भेजा? न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा भरोसा है के हक में फैसला होगा और ये जितने भी मुकदमे लगाए गए हैं आली जनाब मोहम्मद आजम खान के ऊपर सब पर जी। महिला भी हमारे साथ बैठी हुई है, उनसे ही बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लाल टोपी पहनी है, लाल टोपी से तो खतरा बताते हैं योगी सरकार के लोग। लाल टोपी से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बयानबाजी हो रही है उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को बहुत खतरा है। अभी परसों अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा कि भाई मुरादाबाद वालों ये बताओ कि आप आजम खान साहब को जेल में रखना चाहते हो या बाहर चाहते हो, तो इससे एकदम से पता चल जाता है, सभी जानते हैं, अब तो आम जनता भी कहने लगी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति रही आजम खान साहब को फंसाने की, उनको जेल में रखने की। क्या कानून व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है? मैं तो न्यायपालिका से कहना चाहती हूँ आखिर कैसे लोग चुनौती दे रहे हैं कानून को। अच्छा, आपको डर नहीं लगता क्योंकि आप भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं आजम खान के पक्ष में, आपको डर नहीं लगता कि आप पे कार्रवाई होगी योगी सरकार आप पे कर दे? काहे का डर? अरे काहे का डर, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आजम खान की रहेगी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे जो नेता मोहम्मद आजम खान साहब को जेल में डाला गया इसे छिपा नहीं है, इस तरह के मुकदमे लगाए गए जो कि बिल्कुल ये गिरी हुई हरकत की गई है। और जहां सवाल उठता है बीजेपी का तो एक चीज़ आप भी देख रहे होंगे, आप रिपोर्टर हैं, कि वो काम जो अपने गिना के जनता के बीच में आ रहे हैं जो इन्होंने किए ही नहीं, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो फैसला आया, लेकिन जो इन्होंने किए वो गिना ही कहाँ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक काम किया, सबसे बड़ा जो काम किया था वो लखीमपुर खीरी में किया था, जो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसको नहीं गिना रहा कि हम ये भी कर बैठे हैं, मतलब गलत काम को नहीं दर्शाया जा रहा। हालांकि सवाल ये उठता है कि कल सीएम योगी का कार्यक्रम रामपुर में था जहां पर रठोंडा के अंदर उन्होंने हुकार भरी है कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है और बिलडोजर भी चलाया है और एक सीधा सा धमकी भी दी है, और साथ ही अखिलेश के उस बयान पर जिस पर 300 यूनिट बिजली दी जाएगी उस पर कहा है कि ये लोग तो बिजली देते ही नहीं थे, क्या अखिलेश की सरकार में बिजली नहीं मिली? देखिए बराबर बिजली आती रही है, ये अनोखा काम हिंदुस्तान में और यूपी में नहीं कर रहे हैं, ये तो पिछली सरकारों के पीछे काट काट के वही इतना आगे बढ़ चुके हैं कि झूठ का पुलंदा इनका भर चुका है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा है कि ये लोग तो कब्रिस्तान बनाने वाले लोग हैं, कहां राम मंदिर बनाएंगे? आप बताइए, आप भी तो हिंदू हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने और योगी जी ने कब्रिस्तान और शमशान की बात की थी और पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को कब्रिस्तान और शमशान में डाइवर्ट कर दिया, इन्होंने लाशों को लकड़ियां तक नहीं दी, कब्रिस्तान में जगह नहीं दी, इनके जो भाषण होते हैं उसको जनता को पहले ही समझ लेना चाहिए कि जैसे इनकी भाषा होती है वैसे ही ये कारनामे भी शुरू कर देते हैं। वसीम भी हमारे साथ, वसीम बात मियां बताइए कि आजम खान के लिए किस तरीके से आप आगे लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि आप रिहाई की आपको मांग कर ही रहे हैं? देखिए आजम खान किसी एक जाति एक समुदाय के नेता नहीं, आजम खान हिंदुस्तान का वो मायनाज नेता है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी धर्म में चले जाइए आजम खान के चाहने वालों की कमी नहीं है। आज जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता माना जाता है आजम खान को, इसलिए माना जाता है कि डरते हैं कि आजम खान अगर जेल से बाहर आ गए
तो फिर वही चीज होगी जैसे कुंभ का मेला उन्होंने कामयाब मेला किया था। इस तरीके की अगर कोई भी चीज हमारे बीच आएगी तो हमारी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति उस पर असर आएगा। यानी आजम खान समाजवादी पार्टी का वो चेहरा है जो सब धर्म की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़ा हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हो, जो सा भी धर्म हो, उसमें हमेशा जो है बढ़ चढ़ कर काम लिया। और सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया वो कुंभ का मेला था, और उसको लोग याद भी करते हैं, और आज भी संत बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ खड़े हैं। हालांकि आप सवाल है रिहाई का, तो आजम खान की रिहाई कब होगी, ये सवाल जनता के जुबा पे है, और कार्यकर्ता लगातार जोश भर रहे हैं कि आजम खान की रिहाई करवा के ही रहेंगे, तभी जो है इस धरने से उठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।